रंगोली बनाई है। अच्छी है ना भैया? हाँ, और क्या करते हैं दीपावली में? दीपावली मतलब रंगोली, दिए, पटाखे और नए कपड़े। हाँ, और मिठाइयाँ। अच्छा, और क्या करते हैं दीपावली में? और दीपावली का मतलब और भी कुछ होता है क्या? हरे कृष्णा। मानव उत्सव प्रिय, अर्थात हम मनुष्य को उत्सव, फेस्टिवल्स और त्योहार बहुत पसंद है। सव का अर्थ भौतिक दुख और कष्ट, और उत का अर्थ हटाना, यानी कि उत्सव का अर्थ हुआ भौतिक दुख और कष्टों को हटाना। पर इस कलयुग में किस तरह के फेस्टिवल्स बच गए हैं? गोवा में होता है सनबर्न फेस्टिवल, जर्मनी में होता है बियर फेस्टिवल, और तो और कहीं कहीं होता है मटन फेस्टिवल, और ऐसे फेस्टिवल्स बना के हम भौतिक जगत में बंद के ही रह जाएंगे। वेस्ट में क्रिश्चियंस और ज्यूस हफ्ते में एक दिन भगवान की सेवा करने में बिताते थे, उसको वो बोलते थे होली डे, यानी कि पवित्र और धार्मिक दिन। पर इस कलयुग में आते आते उस होली डे को उन्होंने हॉलीडे बना दिया है, जहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। ये फेस्टिवल्स जो हैं, वो सिर्फ एक सोशल इवेंट्स बन के रह गए हैं, जहाँ पे लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, मिठाई खाते हैं और घर जाके सो जाते हैं। और हमारा एक प्रमुख उत्सव है दीपावली, अर्थात दीपों की आवली। भगवान श्री राम त्रेता युग में जब 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस लौटे थे अपनी पत्नी सीता के साथ, तो अयोध्या वासियों ने संपूर्ण अयोध्या में सड़कों में, घरों में, खिड़कियों में दीप जला के भगवान का स्वागत किया था। ना ही दीप जला के भगवान का अयोध्या में स्वागत किया था, पर भगवान का स्वागत अपने हृदय और जीवन में भी किया था। तो इसी प्रकार इस दीपावली हम प्रभु श्री राम का स्वागत नहीं, नहीं, हम तो माता लक्ष्मी और गणेश जी का स्वागत करते हैं। दोनों का कोई कनेक्शन है? जनरली पूजा की जाती है किनकी? पति पत्नी, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण या शिव पार्वती, या फिर भाई बहन जैसे यमुना और यमराज, या फिर भक्त और भगवान जैसे प्रहलाद और भगवान नरसिंह देव। पर यहाँ पे लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी है, और जो गणेश है वो शिव और पार्वती के पुत्र है। क्या दोनों में कोई तालमेल या कनेक्शन है? नहीं, पर हमारा कनेक्शन तो सेट है। लक्ष्मी जी धन देती हैं, और वो धन बिना किसी विघ्नों तक हम तक पहुंच जाए, उसके लिए गणेश जी की पूजा करते हैं हम। तो आपस में कोई कनेक्शन हो कि ना हो, हमारा कनेक्शन तो सेट है, हमें तो धन की प्राप्ति चाहिए, और वो धन हम इस दीपावली के दिन हाई स्टेक्स जुआ खेलने में यूज करते हैं। तो क्या इस जुआ खेलने से प्रभु श्री राम हमसे खुश होंगे, या माता लक्ष्मी और गणेश जी हम पे कृपा बरसाएंगे? There is no devotion in the festivals. So, हमें इन फेस्टिवल्स को केवल फॉर्मेलिटी या फिर एक सोशल इवेंट नहीं बना देना चाहिए, इनके पीछे का डीप मीनिंग जानना चाहिए। दीपावली के दिन घरों के साथ साथ हमें अपने हृदय और मन की सफाई भी करनी चाहिए। पटाखों के साथ साथ अपना घमंड, अहंकार और लस्टी डिजायर्स को भी फोड़ना चाहिए। मिठाई बांटते बांटते मीठा बोलने की भी कोशिश करनी चाहिए, जैसे प्रभु श्री राम ने लंका में रावण में विजय प्राप्त की थी। उसी प्रकार हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी रावण का विनाश कर दे, और हमारे हृदय में भक्ति रूपी दिया जला दे, जिससे हम प्रभु श्री राम का स्वागत कर सके। हैव अ मीनिंगफुल दीपावली। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। हरे कृष्णा। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon not to miss any update.